एनाटॉमी फिजियोलॉजी की हमारी क्लासेस चल रही हैं और आज हम पढ़ेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, क्या क्या उसके अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे मैंने कुछ हाईलाइट्स करके रखे हैं और साथ साथ में मैं कुछ हाईलाइट चीज़ें बताता भी होऊंगा। हार्ट की एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे, उसके फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, उसके मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि हार्ट में किस तरीके से वो ब्लड जो है वो मूव करता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर, और कौन कौन से पार्ट हैं, कहाँ पर आपके एरोटा मिलता है, कहाँ पर आपका वेन्स मिलती है, कहाँ पे आपकी आर्टरी मिलती है, कहाँ पे आपका जो बीच बीच में आपकी कह सकते हो एक्सटर्नल लैकिंग आर्टरीज़ होती है वो कहाँ कहाँ पे होती है, वो सारा सिस्टम हम इसके अंदर में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। फिर एक फ़्लो चार्ट भी पढ़ेंगे जिसके अंदर समझेंगे कि जो ब्लड है वो किस तरीके से हार्ट के अंदर, यानी आपकी जो बॉडी है, बॉडी से हार्ट, हार्ट से बॉडी, किस तरीके से वो पूरा पंप करते हुए मूव करता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या होता है, तो आपका जो ब्लड स्ट्रीम वेसल्स है वहाँ पे ब्लड फ्लो कराना, यानी आपका कहाँ पे आर्टरी है, वेन है, इसमें हार्ट से आपका पूरा कंप्लीट बॉडी में सर्कुलेट करने का जो काम है, यानी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू आउट होल बॉडी विद द हेल्प ऑफ वेन और आर्टरी, जो आपकी वेन है, आर्टरी है, उसमें पूरे में ब्लड को सप्लाई करवाना, जिससे हमारा हर एक ऑर्गन, हर एक पार्ट जो है बॉडी का, उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन, रिक्वायर्ड मटेरियल मिल सके ब्लड के थ्रू, वो किसका काम होता है, आपका हार्ट का काम होता है, जो कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंडर में आता है। अब ब्लड जो है उसका ट्रांसपोर्टेशन का काम है, जैसे मैंने बताया कि भाई हार्ट जो है मेन ट्रांसपोर्ट का काम करता है, तो ब्लड क्या कैरी करता है, अब तो अपने साथ में वो न्यूट्रिशन कैरी करता है, वो न्यूट्रिशन जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है, ऑक्सीजन कैरी करता है जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है, जो कि सेल के द्वारा यूटिलाइज किया जाता है, जो सेल है वो एनर्जी जो यूज़ करता है वो आपके रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन जो हमारी ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, जो कि हम डाइट के थ्रू लेते हैं या एक्सटर्नली लेते हैं, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में ले रहे हों, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में ले रहे हों, ठीक है। ऑक्सीजन जो है हमारा मिक्सचर ऑफ गैसेज, जो कि लंग्स जो है वो प्यूरीफाई करता है, वहाँ से मिक्सचर में से ऑक्सीजन को सेपरेट करके और हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो ब्लड जो है बेसिकली न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन और साथ में अदर सिक्रीटेड हार्मोन्स, जो हमारी बॉडी में ग्लैंड्स हैं, जो डक्ट्स हैं, जो जूसेस वगैरह सिक्रीट करते हैं, जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, वो भी साथ में कैरी करता है, जो कि कहाँ पे जाता है, पूरी कंप्लीट बॉडी में जाता है, और कंप्लीट बॉडी से जो वेस्ट जनरेट हो रहा है, अब कंप्लीट बॉडी से वेस्ट कौन सा जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पे हम ब्लड वेस्ट की बात कर रहे हैं, यानी यूरिया की बात कर रहे हैं। तो जब सेल कोई काम कर रहा है तो भाई एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जब भी कन्वर्ट होती है तो कुछ उसमें से वेस्ट भी निकलता है, तो सेल जब भी कोई एनर्जी यूज़ करता है तो वो एक वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज़ करता है, वो वेस्ट प्रोडक्ट जाके किडनी में प्यूरीफाई होता है, लेकिन उसको कैरी करना, लेके जाना, वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंडर में काम आता है, ठीक है। कंप्लीट बॉडी में से मान लो कोई सेल है, हमने हाथ मूव किया तो मल्टीपल सेल्स जो हैं वो वर्क किए, अब उन्होंने कोई एनर्जी रिक्वायर करी, वो एनर्जी मिली उनको प्योर ब्लड से, ठीक है, जहाँ जिसके अंदर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन था, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन था। अब जब वो एनर्जी यूज़ हो गई तो उसके बाद क्या हुआ कि आपकी बॉडी में से अब सेल ने जो एनर्जी यूज़ करी तो उसका कोई वेस्ट प्रोडक्ट भी निकला होगा, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट उसी ब्लड में उसने रिलीज़ किया, तो ब्लड में जब रिलीज़ किया तो वो वेस्ट मॉलिक्यूल, जो बचा हुआ मॉलिक्यूल है, जो हमारे बॉडी को यूटिलाइज़ नहीं किया जा सकता हमारी बॉडी में, तो वो वहाँ से कैरी करके किडनी तक लेके जाने का काम भी यहाँ पे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का ही रहता है, जो कि आपका ब्लड फ्लो में हेल्प करता है। फिर आ जाते हैं आपका लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, ये प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज बाय न्यूट्रलाइजिंग द इन्फेक्शन कॉजिंग माय कोऑर्डिनेशन। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका लिम्फेटिक सिस्टम है वो क्या करेगा, साथ ही साथ में आपके डिजीज़ को भी कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे सपोज मान लो कोई पैथोजेनिक हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी पे अटैक करता है, तो हमारे ब्लड के अंदर एंटीबॉडी सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट रहते हैं, फाइटिंग सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, तो वो सारे सेल क्या करते हैं, किलर सेल प्रेजेंट रहते हैं, तो वो सारे सेल भी आपकी ब्लड की स्ट्रीम से ही मूव करते रहते हैं कि कहीं पे भी अगर कोई हार्मफुल पैथोजन अटैक करेगा तो लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो इमिडिएटली ट्रिगर करेगा, और उससे प्रोटेक्शन करने के लिए, हम उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे पर्टिकुलर उस एरिया में जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है, जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक हुआ है, वहाँ जाके फाइट करके उसको सेव करके रखेगा।
अब रोल ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, सबसे पहला दो इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट रोल है वो डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन है, न्यूट्रिशन है, हार्मोन्स है और एंटीबॉडीज़ है। ये कहाँ पे सप्लाई करना है? तो ये सारे ऑर्गन्स जो हमारे ऑर्गन हैं जो काम कर रहे हैं उन सबको सप्लाई करने का जो मेन इंपॉर्टेंट रोल है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का, वो यही है कि भाई टाइम टू टाइम ऑक्सीजन देता रहे जिससे सेल को अपने काम करने में आसानी रहे, न्यूट्रिशन देता रहे, हार्मोन्स सिक्रीट जो हो रहे हैं हमारी बॉडी में ग्रोथ के लिए या डेवलपमेंट के लिए या वर्किंग के लिए या रिहैबिलिटेशन के लिए वो सप्लाई होता रहे, एंटीबॉडी जो है हमारी बॉडी में भरपूर तरीके से चारों तरफ फैली रहें, ऐसा ना हो कि खाली ऊपर एंटीबॉडीज़ है नीचे एंटीबॉडी नहीं है, पैर में कांटा लगा एंटीबॉडी वहाँ है ही नहीं प्रेजेंट, ऐसा नहीं होता है। बॉडी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहती हैं आपकी सारी एंटीबॉडीज। तो ये किसकी वजह से रहती है? तो ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की वजह से ही रहती है। तो इसका जो मेन रिस्पॉन्स है वो यही है कि बॉडी में थ्रू आउट सेल की हेल्प से, सेल और टिश्यू को जो भी रिक्वायर्ड है या ऑर्गन को जो भी रिक्वायर्ड है फंक्शन करने के लिए, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड है, इंफॉर्मेशन के लिए कोई हार्मोन रिक्वायर्ड है, कोई जूस रिक्वायर्ड है ब्रेक डाउन करने के लिए किसी चीज़ का, तो वो सारा चीज़ जो है वो ब्लड के स्ट्रीम के अंदर जो प्रेजेंट है उसको लेके पहुंचाने का काम जो है यहाँ पे हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कर रहा है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या है? रिमूव करना। किस चीज़ का रिमूव करना? तो मेटाबॉलिकल वेस्ट। मेटाबॉलिकल वेस्ट क्या है यहाँ पे? तो मेटाबॉलिकल वेस्ट होता है हमारा जो हमारा हमने खाना खाया, सपोज़ हमने एक एप्पल खाया, ठीक है, एप्पल में से विटामिन निकला, शुगर निकला और जो हमने एप्पल खाया था उसका कुछ वेस्ट प्रोडक्ट है, तो हमने सॉलिड आइटम खाया है तो एक सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा स्टूल, ठीक है, उसके अंदर जो जूसेस थे उसमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा वो होगा यूरिन, ठीक है, लेकिन यूरिन कहाँ? अब जो यूरिन वाला वेस्ट प्रोडक्ट आया वो क्या है भाई? मान लो आपकी बॉडी में पहले से ही सफिशेंट अमाउंट ऑफ शुगर है, आप और खाते हो, वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो या आप विटामिन, आपने जो एप्पल में विटामिन था वो आपने खाया, वो यूटिलाइज किया जाएगा सेल के द्वारा, तो वो कैसे होगा? तो वहाँ से मॉलिकुलर जो उसने यूटिलाइजेशन किया, कोई चेन है, मान लो कार्बन की एक चेन है भाई, एक CH3 यूटिलाइज हो गया, अब बाकी बचा हुआ जो आपका कार्बन है वो नॉन यूटिलाइजेबल है, तो वो क्या होगा? वो जाके उसको ब्रेक डाउन करके उसको हटा देगा, मेटाबॉलिकल वेस्ट को रिमूव कर देगा। दूसरा कैसे, और एग्जांपल से समझ लो भाई, जैसे ऑक्सीजन है, O2 है, हमारी बॉडी ने कार्बन रिलीज़ किया, ऑक्सीजन हमारी बॉडी ने इनहेल किया, तो जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बना रहा है? CO2 बना रहा है, वो CO2 गैसियस फॉर्म में वापस से हमारी बॉडी से एग्जिट आउट हो गया। तो इस तरीके से मेटाबॉलिकल वेस्ट जो है वो भी हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के द्वारा, सर्कुलेशन के द्वारा मेंटेन किया जाता है और प्रॉपरली टाइम टू टाइम बॉडी से रिमूव किया जाता है। कौन सी फॉर्म में? तो यहाँ पे दो फॉर्म, बेसिक दो फॉर्म है, एक तो है आपका लिक्विडेटिंग फॉर्म जो कि आपके ब्लड में से प्यूरीफाई हो रहा है, दूसरा गैसियस फॉर्म है जो कि आपके लंग्स के द्वारा प्यूरीफाई किया जा रहा है, और ये दोनों प्यूरिफिकेशन के लिए जो सप्लाई चेन है वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम द्वारा संभाली जा रही है। अब यहाँ पे क्या है, दूसरा पार्ट आता है हमारा, थ्री टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स। कौन कौन से तीन टाइप के ऐसे ब्लड वेसल है जहाँ पे हमारा ब्लड जो है वो मूव करता है? तो सबसे पहला है आर्टरी, जिसके अंदर ऑक्सीजन रिच मात्रा का ब्लड रहता है, फिर है वेन, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा रिच मात्रा में रहती है, फिर है आपका कैपिलरी, जिसमें दोनों की मात्रा लगभग लगभग बराबर देखी जाती है। आर्टरी और वेन जो है सबसे बिगेस्ट वेसल है, मतलब हमारी बॉडी में अगर ब्लड वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए तो आर्टरी और वेन में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। वहीं कैपिलरी जो है वो सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग है, मतलब हमारी पूरी बॉडी में हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है कैपिलरी का वो स्प्रेडेड है, मतलब आप कह सकते हो कि स्किन जो है आपकी, अगर स्किन पंचर करते हो तो वहाँ पे कैपिलरी पंचर होता है, वो बेसिकली वहाँ का जो ब्लड है वो कैपिलरी ब्लड है, तो एक स्मॉल जहाँ पे सिंगल RBC भी मूव कर रहा होगा वहाँ पे वो कैपिलरी ब्लड होगा, और जहाँ पे मल्टीपल RBC एक साथ, या RBC या WBC या प्लेटलेट, मल्टीपल सेल जहाँ एक ही बार में मूव कर पा रहे होंगे वो आपकी आर्टरी और वेन रहेगी। आर्टरी की पोजीशन की बात करूँ तो आर्टरी की पोजीशन बॉडी में सबसे डीप इनसाइड की तरफ रहती है, फिर उसके ऊपर आपकी वेन रहती है, और सबसे ऊपर जो पूरी बॉडी में स्प्रेड है वो आपकी कैपिलरी रहेगी। अब यहाँ पे हम डिफरेंस देखेंगे आर्टरी और वेन में कि किस तरीके से जो आपका ब्लड फ्लो है वो, या वॉल्यूम है वो किस तरीके से आपका स्प्रेडेड है। अब आर्टरी जो है वो क्या करती है? प्योर ब्लड कैरी करती है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है। कहाँ से करती है? तो हार्ट से शुरू करती है और होल बॉडी में लेके जाती है, जिसको पल्मोनरी आर्टरी के नाम से जाना जाता है, यानी आपकी पल्मोनरी आर्टरी के अंदर होल ब्लड, प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। वहीं अगर हम बात करें वेन की, तो कैरी इम्प्योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा रहती है, और ये कहाँ से चलता है? तो फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ बॉडी टू द हार्ट एक्सपर्ट,
जो हार्ट का जो एक्सपेक्ट पार्ट है यानी पल्मोनरी वेन, जो इसके अंदर ब्लड जो मूव कर रहा है। अब यहाँ पे आप ध्यान देने वाली बात है कि जो आपकी पल्मोनरी वेन है उसके अंदर आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करता है, सर्कुलेट करता है। और हमेशा याद रखना जो सर्कुलेशन है वो वन वे होता है, टू वे नहीं होता है। वन वे का मतलब एक बार आगे निकल गया तो निकल गया, वहाँ से वापस नहीं आ सकता है सेम डायरेक्शन में, ठीक है। जैसे रोड्स होती है ना भाई, लिखा होता है वन वे, मतलब आप उसमें रॉन्ग साइड नहीं आ सकते हो। ऐसे ही ब्लड जो है वो वन वे होता है, एक बार मूव कर गया आगे की तरफ तो कर गया, वो वापस नहीं आ सकता है। इस तरीके से हमारी बॉडी में वेन के अंदर और आर्टरी के अंदर मैकेनिज्म बनाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है कि पल्मोनरी आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि हार्ट से पूरी बॉडी को सप्लाई करता है, वहीं आपकी पल्मोनरी वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि पूरी बॉडी से हार्ट को सप्लाई होता है। अब यहाँ पे वॉल्व की बात की जा रही है, आर्टरी में क्या होता है, वॉल्व नहीं होती है। वॉल्व का मतलब है दरवाजे, ठीक है। जैसे आपने अभी हार्ट के डायग्राम में पहले जब ब्रीफ पढ़ा रहा था तो देखा था उसमें कि हार्ट में वॉल्स होते हैं। वॉल्स मतलब एक सिंगल साइड डोर जो कि एक ही तरफ खुलता है, और वेन में आपके वॉल्व रहते हैं। उसका रीज़न क्या है कि भाई मान लो आप खड़े हो तो ग्रेविटेशनल पुल से जो ब्लड है वो नीचे की तरफ मूव करना चाहिए, तो वो नीचे की तरफ क्यों नहीं मूव करता, उसका रीज़न क्या है, वो वापस ऊपर की तरफ कैसे आता है, तो वो वॉल्व की वजह से ही होता है। कि जो आपका वेन है उसमें क्या होता है, वॉल्व सिस्टम होता है। जैसे ही आपका हार्ट जो है वो पंप करता है, हार्ट कैसे पंप करता है, लब और डब, यानी एक बार जैसे हम अभी तो खैर टैप से आपने पानी ओपन किया एकदम से आना शुरू हो गया, पहले नल के होते थे, हैंड पंप जिसको हम बोलते हैं, तो वहाँ क्या है, जब हम हैंड पंप मूव करते थे तो पानी आता था, फिर हम हैंड पंप को वापस ऊपर खींच के फिर नीचे करते थे फिर पानी आता था, तो क्या होता था उसमें एक एक फिक्स रेशियो में चलता था, कंटिन्यूअस पानी नहीं आ रहा है। जब आप एक बार हैंड पंप चलाओगे तो पानी आएगा, फिर ऊपर करके वापस से हैंड पंप चलाओगे फिर पानी आएगा। तो ऐसे ही आपका हर्ट है, वो एक बार पंप करता है फिर एक और बार पंप करता है, तो कुछ फ्रिक्शन ऑफ नैनो सेकेंड का जो है, ठीक है, वो एक पॉज होता है, तो उस पॉज में ब्लड जो है वो रिवर्स ना आ जाए, वापस ना चला जाए ग्रेविटेशनल पुल की तरफ से, यानी पैर का ब्लड नीचे की तरफ ना चला जाए, तो वो वॉल्व क्या करता है, वो ब्लड सेल्स को होल्ड करने का यानी रोकने का काम करता है कि जिस पोजीशन पे वो आगे मूव हुआ है उसी पोजीशन पे वो रुक जाए। क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आर्टरी में क्या होता है, मस्कुलर लेयर जो है वो आपकी बहुत ही ज़्यादा मोटी होती है कंपेरेटिवली वेन में। क्यों मोटी होती है, तो आर्टरी का प्रेशर हमेशा याद रखना ज़्यादा रहता है, हाई रहता है कंपेरेटिवली वेन के प्रेशर से, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन लेवल सबसे ज़्यादा मात्रा में रहता है, हाईली एनर्जेटिक ब्लड, उसमें जो ब्लड है वो हाईली एनर्जेटिक रहता है। उसका रीज़न है कि जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए वो भरपूर मात्रा में वहाँ पे रहती है, कोई भी इम्प्योरिटीज़ वहाँ पे नहीं रहती है, कोई भी आप कह सकते हो कि वो चीज़ वहाँ अवेलेबल नहीं है जो आपके फ्लो को रोके। तो आर्टरी का जो ब्लड है वो इसी वजह से आपका प्रेशर जो है वो हाई रहने की वजह से जो उसकी थिकनेस है नेचुरली वहाँ पे आपको थिक देखने को मिलेगा, और जो वेन है उसका प्रेशर भी कम होता है जिसकी वजह से वहाँ पे क्या है कि आपकी जो वेन है वो आपको थिन यानी पतली थोड़ी सी, पतली मतलब उसका वॉल्व पतला, पतली वेन की बात नहीं कर रहा हूँ, वेन का साइज़ भी अलग अलग होता है, ठीक है। बैसिलस एसिफेलिक्स है, मिडल क्वाइटल है, उसके अलावा भी ये तीन जो वेन है बेसिकली जहाँ से हम ब्लड सैंपल लेते हैं, और इसके ये विजिबल वेन होती है और थोड़ी सी देखने में हैवी वेन लगती है, मतलब थोड़ी सी मोटी वेन दिखाई देती है, क्लियर दिखाई देती है। तो लेकिन उसकी वॉल्व की बात करें, जैसे पाइप होता है, पाइप में जो कितनी भाई मोटी कितनी पाइप है, उसका ट्यूब कितना मोटा है, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे जो वेन है हमारी जो आर्टरी है वो कितनी मोटी है, थिकनेस उसकी कितनी है वॉल्व की, तो यहाँ कंपेयर अगर किया जाए तो आर्टरी की जो थिकनेस है वो ज़्यादा होती है कंपेरेटिवली आपके वेन के। जैसे कि मैंने अभी बताया कि आपकी जो प्रेशर है वो आर्टरी में हाई रहता है, और यही एक रीज़न भी है कि जो आपका आर्टरी का वॉल्व है वो थिक होता है, और वहीं प्रेशर जो वेन में है वो लो होता है, यही वो रीज़न है एक जिसमें से कि आपकी जो वॉल्व है वेन की वो थिन होती है। दूसरा, जो ब्लड प्रेशर है वो भी आपके आर्टरी से ही नापा जाता है, ना कि वेन से नापा जाता है। ये एक की पॉइंट है कि अगर कोई पूछेगा कि भाई हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो किस चीज़ से नापता है, तो आपकी आर्टरी का जो प्रेशर होता है उसी से आपका ब्लड प्रेशर नापा जाता है। आगे चलिए, अब यहाँ बात करते हैं कि भाई आर्टरी में क्या है। तो अभी फर्स्ट पॉइंट में ही आपने देखा था, कैरी प्योर ऑक्सीजन फ्रॉम हार्ट टू होल बॉडी पल्मोनरी आर्टरी, कैरी इम्प्योर ब्लड फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट टू हार्ट। तो यही चीज़ यहाँ पे रिपीट की गई है, आर्टरी जो है वो आपका क्या है, हार्ट से पूरी बॉडी को सप्लाई करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वेन वहीं पे पूरी बॉडी में से
हार्ट पे ब्लड ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब यहाँ पे खाली हार्ट की बात की क्यों की जा रही है, क्योंकि हम यहाँ पे हार्ट को सेंटर ऑफ पॉइंट लेके चल रहे हैं, मतलब कि भाई हार्ट से पंप होना शुरू हुआ और वापस पंप होता होता हार्ट में ही एंटर किया ब्लड, तो कैसे कैसे करेगा, तो हार्ट से प्योर ब्लड चलेगा। प्योर ब्लड जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल की मात्रा पूरी हो, यानी लंग्स से हार्ट में जो ब्लड आ रहा है, प्योर ब्लड जो आ रहा है वो क्या करता है, लंग्स से आपका हार्ट में गया, हार्ट से पूरी बॉडी में गया, पूरी बॉडी से वापस हार्ट में गया, हार्ट से फिर वो वापस लंग्स में चला गया। यहाँ पे एक पूरी कंप्लीट साइकिल फुलफिल हुई, जिससे जो हमारा इम्प्योर ब्लड है वो प्योर ब्लड में कन्वर्ट हो रहा है, जो प्योर ब्लड है वो बॉडी के द्वारा यूटिलाइज किया जा रहा है। ये एक साइकिल है, फिर से बता रहा हूँ, हमारे लंग्स से ऑक्सीजन फिल किया गया ब्लड के अंदर, वो आया हार्ट के अंदर, हार्ट से गया पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी से वापस आया हार्ट में जो कि इम्प्योर हो चुका है, फिर वो हार्ट से वापस चला गया लंग्स में, जिससे वो वापस से प्योर कंडीशन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। दोबारा समझाता हूँ, आपके बॉडी में दो टाइप के ब्लड चलते हैं, एक प्योर ब्लड जिसके अंदर हाईली ऑक्सीजन वैल्यू रहती है, एक इम्प्योर ब्लड जिसके अंदर इम्प्योरिटीज़ रहती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा रहती है। इम्प्योर ब्लड जो है वो आपकी पल्मोनरी वेन के थ्रू मूव किया जाता है, प्योर ब्लड जो है वो आपका पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू मूव किया जाता है। मूव कौन कर रहा है यहाँ पे, तो हार्ट जो है ये पंप का काम करता है, जैसे हमारे घर में मोटर लगी होती है, सप्लाई का पानी लेती है और हमारे टंकियों में सप्लाई कर देती है, फिर वो टंकियों से पानी जाता है आपका किचन में, वेस्ट सिंक में या वॉशरूम में, फिर वो जाता है सीवेज में, सीवेज में वहाँ जाके प्यूरिफिकेशन प्लांट लगा होता है, वहाँ से वो प्यूरीफाई होता है, फिर वो जो भी आपका सीवेज पैसेज है उसके थ्रू जाके रिवर या सी में जाके एंड में जा रहा है, तो वो फिर वापस से क्या हो रहा है, क्लाउड फॉर्मेशन होके आसमान में जा रहा है, बादल और बारिश हो रही है, वो धरती में जा रहा है, वापस एब्जॉर्ब हो रहा है। तो इसी तरीके से, ये बहुत लंबी साइकिल है, इसी तरीके से आपका हार्ट भी काम करता है, हमारी बॉडी में भी काम होता है। कैसे होता है यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारा प्योर ब्लड है, प्योर ब्लड मतलब जो आपके लंग्स से ऑक्सीजन रिच मात्रा में ब्लड चला, ठीक है, आपने सांस भरी और जो ब्लड वहाँ एल्वियोलाइज में आया, वहाँ से ऑक्सीजन उसने भर लिया अपने अंदर, वो चला हार्ट के अंदर जो कि आपका आर्टरी में आ गया, ठीक है। हार्ट से क्या किया, हार्ट में जैसे ही वो आया वहाँ से पल्मोनरी आर्टरी से उसने सप्लाई करना शुरू किया। पल्मोनरी आर्टरी का काम है कि भाई पूरी बॉडी में, हार्ट से पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करते हुए वापस हार्ट में लेके आना, ठीक है। तो हर पूरी बॉडी में सप्लाई करना, जैसे यहाँ से भाई ऑर्गन में गया, ऑर्गन्स में जैसे मान लो लिवर में गया, तो आपका पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लिवर में पहुँच गया, फिर वहाँ से लिवर ने यूटिलाइज कर लिया, तो अब वहाँ से क्या होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा पल्मोनरी वेन में। अब पल्मोनरी वेन का क्या काम हो गया, पल्मोनरी वेन का ये काम हो गया कि भाई जो भी बॉडी पार्ट हमारा यूटिलाइज कर रहा है उस प्योर ब्लड को, वहाँ से यूटिलाइज होने के बाद वापस हार्ट में सप्लाई किया, अब वो इम्प्योर ब्लड जो हार्ट में गया वो वापस से हार्ट ने लंग्स को सप्लाई कर दिया, जो कि क्या किया, वहाँ से जाने के बाद जैसे ही वो पहुँचा, कहाँ पहुँचा, लंग्स में पहुँचा, तो इम्प्योरिटी यानी यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गया। देखो ऑक्सीजन लेवल पे अभी हम बात कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में रिमूव हो गया, वहाँ से रिमूव होते ही वापस उसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन फिल हो गया ब्लड में, तो वो प्योर ब्लड हो गया, फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू बॉडी में सप्लाई हुआ। इसी बीच में जो और मॉलिकुलर वेस्टेज है वो किडनी में जाके प्योरीफाई हो गया, यानी ब्लड ने क्या किया, प्योर ब्लड लंग्स से लिया, पूरी बॉडी में सप्लाई किया, सप्लाई होने के बाद उसका जो मॉलिकुलर वेस्ट है वो किडनी में जाके नेफ्रॉन द्वारा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जैसे होता है हमारे बॉडी में, उसके द्वारा, नेफ्रॉन के द्वारा वो फिल्टर किया गया, तो कुछ वेस्ट तो आपका यूरिन के फॉर्म में बाहर निकल गया ब्लड का। अब रह गया उसमें गैसियस वेस्ट जो कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, वो चला गया आपका हार्ट में, हार्ट से चला गया लंग्स में, लंग्स में वहाँ पर वो प्यूरीफाई हो गया। उम्मीद करता हूँ कि अब ये वाला कॉन्सेप्ट जो है आपका पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन का, यानी हार्ट टू होल बॉडी, बॉडी टू होल हार्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं भाई, अगर चोट लग जाए, मान लो आपके आर्टरी में चोट लगेगी, तो प्रेशर ज़्यादा है आर्टरी में तो ब्लीडिंग जो है बहुत ज़्यादा तेज होगी आर्टरी में, अगर चोट लगती है तो। सपोज आर्टरी पंचर करते हैं अगर हम भी, तो आप कभी नोटिस करोगे जब सीनियर टेक्नीशियन बन जाओगे, आर्टरी पंचर करोगे, तो जब उसमें से ब्लड फ्लो होता है, यानी सिरिंज में ब्लड आता है या वैक्यूटेनर से ब्लड लिया जाता है या कैनुला लगा के, निडल लगा के ब्लड निकाला जाता है, तो वहाँ पे ब्लड फ्लो जो है वो बहुत फास्ट होता है, कंपेयर किसके कंपेरिजन में, तो आपके वहाँ वेन के कंपेरिजन में। अगर ब्लीडिंग देखी जाएगी तो आर्टरी की बहुत फास्ट होती है, और वहीं अगर ब्लीडिंग देखें हम किसकी, इंजरी की, वेन की, तो वहाँ बहुत स्लो होती है। स्लो का मतलब ऐसा नहीं कि बूंद बूंद टपक रहा है, फ्लो एक रहेगा लेकिन दोनों के कंपैरिजन में आर्टरी ज़्यादा फास्ट चलती है और वेन जो है वो थोड़ा स्लो चलती है।
हाँ, अब बात कर रहे हैं यहाँ लास्ट पॉइंट है, सेवन्थ पॉइंट, जो कि आर्टरी क्या है, डीपली प्लेस्ड। स्टार्टिंग में मैंने बताया कि एनाटॉमी ऑफ आर्टरी क्या है, वो आपके बॉडी में इनसाइड यानी बहुत डीप होती है, वेन जो है उसके ऊपर रहती है, कैपिलरी पूरी हमारी बॉडी में फैली हुई रहती है। तो डीपली प्लेस्ड कहा जा रहा है यहाँ पे आर्टरी को, कि अंदर डीप प्लेस्ड होती है। और वहीं अगर वेन की बात करें तो सुपरफिशियली प्लेस्ड है, मतलब आपकी नॉर्मली आपको मसल्स के और स्किन्स के सराउंडिंग्स में भी देखने को मिल जाती है। आर्टरी नॉर्मली विजिबल नहीं होती आपकी कोई सी भी बॉडी के अंदर में। ये था हमारी आज की क्लास, जहाँ पे हमने आर्टरी और वेन को कवर किया, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के थोड़े से पार्ट को, फर्स्ट पार्ट यहाँ कवर हुआ है। कल नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे हर्ट से, और समझेंगे कि हर्ट के अंदर कैसे सप्लाई होती है, क्या टाइमिंग है, बीट्स कैसे चलता है, कितना बीट पर मिनट आपका रहता है, फ्लो कैसा होता है, और हार्ट को खुद को सप्लाई के लिए किस तरीके से ब्लड चाहिए होता है। टिल देन कीप स्टडिंग, थैंक यू।